जब हम एक झुंड में आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आता है। मेरा बिलीव है जब आप अपने घरों में एक झुंड में और अकेले में जब यहोवा को पुकार रहे हैं तो अपने जलाल को वो जाहिर करेगा यीशु नासरी के नाम में। वो अपने जलाल को जाहिर करेगा यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा की महिमा करो। ये कोई भी अपने लिए कोई ना मांगे, ये टाइम केवल यहोवा को देने का है। उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु तेरी, राजा तेरी स्तुति करते हैं। महान प्रभु की स्तुति हो, राजाओं के राजा की स्तुति हो, जीवित परमेश्वर की स्तुति हो, एलिया के परमेश्वर की स्तुति हो, शद्रक मेशक अबेदनगो के आग में उस भट्टी में रहने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, दानियल को शेरों के झुंड में से बचाने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, अब्राहम को बुढ़ापे में पुत्र देने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। यस यस यस, अब्राहम को बुढ़ापे में पुत्र देने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। उसकी महिमा करो और पवित्र आत्मा के भविष्यवाणी के अभिषेक से भर जाओ। मैंने कहा भविष्यवाणी का अभिषेक तब उतरता है जब झुंड इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। लिखा जब जाजकों का पवित्र मंडली ने तुरियां बजाते हुए, डब बजाते हुए, साज बजाते हुए, बीणा बजाते हुए एक स्वर से यहोवा को कहा, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा बादल की नाई उनके ऊपर उतर आया, बादल के बीच में से उतर आया और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और भविष्यवाणी करने लगे और नबियों का दल भर गया। लेकिन शाऊल जब चलता फिरता दाऊद का पीछा करते नबियों के दल में चला गया, जहां पर दाऊद था, शमूएल था, उन नबियों के दल में उसने दूत भेजे उसे पकड़ने के लिए, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। फिर दूत भेजे वो भी भविष्यवाणी करने लगे, क्योंकि वहां पर नबियों का दल था, नबियों का दल था, नबियों का दल था, नबियों का दल था। और जब शाऊल खुद गया दाऊद को पकड़ने के लिए, वो भी वहां पर लिखा गिर गया और वो भी नबूवत करने लगा। लोगों ने कहा कि शाऊल भी नबियों में से एक है। जब आप नबियों के साथ संगति करते हो तो आप नबी के अभिषेक को ग्रहण करते हो। जब आप नबियों की को सुनते हो तो नबियों का अभिषेक आपके ऊपर भविष्यवाणी का अभिषेक उतरता है। अगर आप मुझे एक नबी के रूप में सुन रहे हो तो नबी का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ, इस संगति के द्वारा अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा। आराधना करने के द्वारा झुंड में अभिषेक नबी का उतरता है। जब प्रेरितों के काम में वो एक झुंड में इकट्ठे होके आराधना कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, वडियाई कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उनमें से उतरा और सब अन्य भाषा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए और भविष्यवाणी करने लगे, और भविष्यवाणी करने लगे। झुंड में पवित्र आत्मा उतरता है। आंखें बंद करो, कमेंट करने बंद करो, सब कामों को रोको, केवल आंखें बंद करो और रिसीव करो भविष्यवाणी के मसा को अपनी लाइफ के लिए। और प्रार्थना करो, प्रभु आज मुझे सिखा कि भविष्यवाणी को मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे भविष्यवाणी करना सिखाल परमेश्वर, मैं कैसे तेरा एक भविष्यवक्ता बन सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, फसल पक चुकी है पर भविष्यवक्ता थोड़े हैं, पाप बढ़ चुका है पर उनको पाप बताने वाले, उनको डांटने वाले थोड़े हैं। बोलो प्रभु मुझे भविष्यवक्ता के रूप में चुन ले। प्रभु मैं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूं इस दुनिया में। आज लोग मर रहे हैं महामारियों से, कोरोना से, बीमारियों से, प्रभु मुझे एक नबी के रूप में, मुझे एक भविष्यवक्ता के रूप में चुन ले। प्रभु आज तू नबियों को ढूंढ रहा है, कौन मेरी आवाज इन लोगों को बताएगा जो पापों के कारण दुख झेल रहे हैं, पर मैं नहीं चाहता ये दुख झेले। कौन मेरा नबी बनके उनको पापों को कहेगा मन फिराओ, लौट आओ परमेश्वर की ओर, ताकि सुख के दिन तुम्हारी जिंदगियों में आए। बोलो प्रभु मैं हूं यहां, मुझे भेज, मुझे अपने नबी के रूप में इस्तेमाल कर। प्रभु मांगो नबी का अभिषेक। जितने भी प्रभु के दास मुझे देख रहे हैं, कोई जीवन मुझे देख रहा है, प्रभु अब मांग रहे हैं प्रभु के अभिषेक को। मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ, जितने भी पास्टर इवेंजलिस्ट जो सेवा करना चाहते हैं, सेवा की इच्छा रखते हैं और आज वो मीटिंग को देख रहे हैं, आप प्यासे थे इस अभिषेक के लिए और प्रभु ने अपनी आपकी प्रार्थना को सुन लिया और आज अपने दास के द्वारा आपसे वो बात कर रहा है और करने जा रहा है। मैंने कहा मांगो अपने हाथों को उठा के, प्रभु
मुझे अपने भविष्यवक्ता के रूप में एक नबी के रूप में चुन ले प्रभु, मुझ पर जे दया कर प्रभु। मैं नबी के अभिषेक को मांगता हूं। नबी का अभिषेक उसको मिलता है जो मांगता है। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम अन्य भाषा बोलो, सब काम करो, पर मैं चाहता हूं तुम सबसे ज्यादा भविष्यवाणी की धुन में रहो। सोचो परमेश्वर की इच्छा यह है कि सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करें। कहता कलीसिया में अन्य भाषा के बहुत शब्द बोलने से अच्छा है कि तुम भविष्यवाणी करो, जिससे सुनने पर वालों पर अनुग्रह हो, उन्नति हो। क्योंकि अन्य भाषा तुम्हारी अपनी उन्नति के लिए है, परंतु भविष्यवाणी दूसरों की उन्नति के लिए है। मांगो पिता से, हे पिता हमें अभिषेक कर भविष्यवाणी के अभिषेक से। भविष्यवाणी कैसे होती है आज हमें सिखा। भविष्यवक्ता का क्या काम है आज मुझे सिखा परमेश्वर। कैसे तेरा भविष्यवाणी का आत्मा लोगों पर उतरता है हे परमेश्वर आज मुझे सिखा दे। उसकी स्तुति करते हुए इस अभिषेक को ग्रहण करो। देखा महिमा का बादल उम पर ठहर गया। इस समय हम स्तुति के शब्द बोलेंगे, महिमा के शब्द बोलेंगे, ताकि महिमा का बादल हम पर ठहर जाए, उपस्थिति का वह बादल हम पर ठहर जाए। जो कहता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, उस परमेश्वर की स्तुति हो। बोलो बोलो 10 बार उस परमेश्वर की स्तुति हो, उस परमेश्वर की स्तुति हो। जो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, उस परमेश्वर की स्तुति हो, उस परमेश्वर की स्तुति हो। आंखें बंद करके घुटनों पर आके अगर आप चाहते हैं नबूवत का आत्मा आपके घर में, आपके रूम में, आपके जीवन में उतर आए, तो आंखें बंद कर लो और मांगो। महान नबियों में से एक यीशु नासरी, जो महान नबी था। बोलो हम नबियों के घराने में से हैं, हम नबियों के वंशों से पैदा हुए हैं। इब्राहिम, इसहाक, यकूब, एलिया, अलीशा, जचाया, जुर्मिया, योयल, हिजकियाल, हम नबियों के घरानियों में से पैदा हुए हैं। हम नबियों के बच्चे हैं और हम नबूवत करेंगे। घोषणा करो हम नबियों के बच्चे हैं, हम नबियों की संतान हैं, हम भविष्यवाणी करेंगे। लिखा यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, नबूवत की आत्मा है। यीशु की गवाही नबूवत की आत्मा है। हे पिता तेरी ये गवाही भविष्यवाणी के रूप में हमारी जिंदगियों में आई, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस उद्धार के लिए। कि जब तक पिता की ओर से किसी को वरदान ना दिया जाए, कोई पिता के पास नहीं आ सकता। बोले इस वरदान के लिए धन्यवाद पिता कि हम तेरे पास आ पाए, हम तेरे उद्धार को जान पाए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरे उद्धार के मार्ग से दूर हैं। तूने हमें ये वरदान दिया कि हम तेरे उद्धार के मार्ग को जाने और पापों से पश्चाताप करके जीवते परमेश्वर के मार्ग को प्राप्त करें। बोलो धन्यवाद इस वरदान के लिए। अपनी पर्सनल अन्य भाषा में प्रेयर में चले जाओ। अगर आप भविष्यवाणी के सागर में तैरना चाहते हैं अन्य निवाशा में प्रेर करो। रिबा नमन दो नमन दा नमन देना ना सूर मंदा नमा से
रिंदा नमा सोरे मिंदो नमा हसो खुरो शिखा लाला बारी को नमा दलो बुरु सबा लिबोरो नो थो नमा सिखा रमा दोली हीरी बेला रबा दो नमा दोलो बरबा जदा रही जरा खंदे नी मिजो दो दोला बालाशा हला कियो शाला बाली कुलु कुरियंबा सबलो मंदा रंदो ना मंदा लब रूजा मला बला बला बोली हवा सुनता तेरा दास बोली हवा में सुन रहा हूँ बोली हवा में सुन रहा हूँ बोली हवा में सुन रहा हूँ हाँ यह हवा बोल मैं सुन रहा हूँ हाँ यह हवा बोल मैं सुन रहा हूँ किसी का नाम सत्या है सत्या सत्या और प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है रिसीव करो उसकी उपस्थिति को और भर जाओ उसकी महिमा के सामर्थ्य और अपने जब पवित्र आत्मा उतरता है तो गवाही हमारी हर हिस्सा छुआ जाता है सत्य प्रभु का आत्मा तुझे शूर है हिला जुंदो मृंदा ना ज़दा जूत सब्री सांत्रु मोतु शाला लाद्रु मंदे दे ज़दा ने हिंदर मंदा हालिया जला गोरंदा नमा जल गरी अंदा सुम्री हिसंदा नमा बोली हवा सुनता तेरा दास किसका नाम साबी है प्रभु का आत्मा से शूर है साबी साबी प्रभु का आत्मा तुझे शूर है रिसीव कर परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ के हिस्से के किसी के घुटनों का पेन अभी उसे मैं जाने को हुक्म देता हूं इसी वक्त दिया सूर्य दो नमस्ते आज के बाद आप ज्योति की तरह चमकोगे यीशु नाम में हालेलुया आज के बाद मैं अपने आपके हाथों में बरकत और पैसे को आते हुए देख रहा हूं यीशु नाम में हालात ऐसा साथ नहीं दे रहे पर मैं भविष्यवाणी का मतलब यही है जिस काम में डिले है फेलियर है उस काम में स्पीड देना हालात मैंने कहा आपका साथ नहीं दे रहे हालात आपको विश्वास करने पर भी मजबूर कर रहे इस भविष्यवाणी पर बाइबल पर लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो नबियों की प्रतीत करो अगर वो भविष्यवाणी तुम चाहते हो मेरे जीवन में पूरी हो आज का ये भी टॉपिक है कि भविष्यवाणी को अपनी लाइफ में कैसे ग्रहण करें विश्वास करो मैंने कहा मैं आपके हाथों में पैसा आते हुए देख रहा हूं आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो मैंने कहा हालात आपके साथ नहीं दे रहे पर मैं आपके हाथ के ऊपर पैसा आते हुए देख रहा हूं बरकत आती हुई देख रहा हूं यीशु नाम में हालेलुया यस नबियों में तू सबसे बढ़कर सच में यीशु तू सबसे बड़ा महान नबी है जब एक औरत के सामने तू आया और तूने कहा तेरे पहले से पति है और उसने सबका हाल उसका बता दिया तो कितने पति रख चुकी है उसकी सब लाइफ उसके पाप उसकी गलतियां उसकी लाइफ सब बातें प्रकट कर दी परमेश्वर ने और उसने जाके बताया कि एक भविष्यवक्ता हमारे बीच में आया है हालेलुया आप मोटे से हैं और इस समय आपने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है और आपने अभी ऑनलाइन मीटिंग की अपनी पिक्चर लेनी है क्योंकि मैं आपके लिए बोल रहा हूं और प्रभु का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है आपको हीलिंग की जरूरत है आपको डिलीवरेंस की जरूरत है जो दोनों चीजें मैं आपकी लाइफ में होती हुई देख रहा हूं अभी इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो यीशु नासरी के नाम में टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम आशा मंदे द्रिंदो नमस्ते ब्रिंदो दा नमस्ते मैं एक बहन को देख रहा हूं आपने कुछ ही समय पहले प्रार्थना करनी शुरू की है झुंड में प्रार्थना करनी शुरू की है आपने कुछ ही समय पहले झुंड में आपने लोगों की अगुवाही करनी शुरू की है आपके पास ज्यादा लोग नहीं है कम है अभी बहुत थोड़े हैं और आपने नया नया अभी शुरू किया है पुराना नहीं आपने नया नया शुरू किया है और आप एक
बहन है और प्रभु का आत्मा मुझे आपकी लाइफ को दिखा रहा है, आपने अभी नया नया शुरू किया है, प्रभु के कार्यों को करना आपके अंदर आया कि मैं नहीं, मैं यहोवा के कार्यों को करूं, और आपने नई नई अगुवाही करनी शुरू की, और आपका विवेक आपको गवाही देता है कि आप जेन्युइन है। मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं जिसका विवेक गवाही नहीं दे रहा है कि मैं शुद्ध मन हूं, मैं रियल हूं परमेश्वर के सामने। मेरा चरित्र, मेरा विवेक मुझे बताता है कि मैं कहां जाने वाला हूं। मैंने कहा आपका विवेक आपको गवाही देता है, आपको पता है अगर मैं प्रभु के कार्य को करूं, प्रेयर में बढ़ूं, तो प्रभु मुझे बहुत उठाएगा, बहुत बढ़ाएगा, और आप मुझे सुन रहे हो, और प्रभु का आत्मा आज के दिन आपके ऊपर अभिषेक उंडेल रहा है। आज के दिन आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली, बहुत लोग जुड़ने वाले आपके साथ संगति में, लाइव में बहुत लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आपको अगुवाही की जरूरत है, समय आने पर आपने मुझसे मिलना है और आपने बताना ये भविष्यवाणी मेरे लिए है। कॉल सेंटर में कॉल करो, यहां भी करो, पर मैं देख रहा हूं अभिषेक तेरे ऊपर आ रहा है। अब टाइम शुरू कर, अपने घुटने टेक अभी इसी वक्त लाइव ऑनलाइन, और अभिषेक तुझ पर आ रहा है और प्रभु का आत्मा तुझे बढ़ाने जा रहा है। धन्यवाद पिता कि तू नबियों को चुनता है, जिस तरह सैमुअल अभी छोटा था, उन दिनों में दर्शन कम मिलता था, तेरे लोग पाप में जा रहे थे और तुम्हें नबी की जरूरत थी कि वो उन्हें पापों से फेर कर आशीष दे, और तूने सैमुअल को चुना जो एक भविष्यवक्ता था, पिता परमेश्वर नबी था। मैं यीशु नासरी के नाम में आज इस बहन को जो स्क्रीन के सामने घुटने टेक चुकी है, तेरा दास होने के नाते ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। अभिषेक इसकी जिंदगी में आए, मसा इसकी जिंदगी में आए, हीलिंग पावर इसकी लाइफ में आए, तेरी आवाज परफेक्टिक पावर इसकी लाइफ में आए, गैदरिंग लोग इसके साथ जुड़ने शुरू हो, और इस सर्मन टीचिंग काउंसलिंग के द्वारा लोग ब्लेस होंगे तेरी, और यीशु नासरी के नाम में प्रभु का आत्मा तुझ पर उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर अभी, ग्रहण कर अभी। टच इन जीसस क्राइस्ट नेम, शूल ये पवित्र आत्मा और भर दे इन वचनों के अनुसार इसके साथ हो। बोल प्रभु तेरे वचन के, तेरे नबी के शब्दों के अनुसार मेरे साथ हो, तेरे नबी के शब्दों के अनुसार मेरे लिए, जिस तरह मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, बोलो इस वचनों के अनुसार मेरे साथ हो। ग्रहण करो ऐसे बोल कर इन वचनों को, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति को दे रहा, आपके गांठे बंधी हुई, गांठे बॉडी में किसी हिस्से में, आपके शरीर के किसी हिस्से में गांठे, जैसे गांठे बंधी होती हैं कुछ गोलों गोलों की, गिल्टियां टाइप ऐसे कुछ है आपकी लाइफ में, और प्रभु का आत्मा आपको फ्री कर रहे हैं। वो रसौली की गिल्टियों की कैसे गुच्छे हैं, वो प्रभु का आत्मा को फ्री कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री राइट नाउ, टच इन जीसस नेम। ये लोग छुड़ाए जाएं, ये लोग हीलिंग को ग्रहण करें, ये उन्नति को ग्रहण करें, मार्गदर्शन को ग्रहण करें, तेरे ज्ञान से बढ़ जाएं और आत्मिकता से बढ़ जाएं, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ जाएं और भूख और प्यास से बढ़ जाएं आज के वचन के द्वारा। आत्मिक जीवन इनका जी उठे यीशु नाम में, प्रेयर लाइफ इनकी जी उठे, तेरे साथ संगति जी उठे यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, बोले आमेन, 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 हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर, जोर से, जोर से, जोर से इस प्रेजेंस में बने रहो। प्रभु आप समर्पित है प्रभु के कामों के लिए, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम। बोलो धन्यवाद पिता, आज जो तूने अनुग्रह हम पर किया, धन्यवाद पिता आज जो अनुग्रह तूने हम पर किया, हालेलुया।